ये आज सिवान जिला के राष्ट्रीय जनतांत्रिक एनडीए समर्थित प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी के कार्यालय पे। बता दें कि रमेश सिंह कुशवाहा पूर्व विधायक गिरादेवी विधानसभा क्षेत्र से रह चुके हैं और कहीं ना कहीं उनका जो अस्तित्व है बेहतरीन है। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं जो भाजपा के एक बेहतरीन नेता के तौर में इनका नाम लिया जाता है। वर्तमान में ये जिला अध्यक्ष हैं और इनके दिशा निर्देश में काफ़ी भाजपा आज मजबूती का काम कर रही है और मजबूती का दर्शन भी दिखा चुकी है जनता को। तो संजय सिंह जी, क्या कुछ कहिएगा? लगातार आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता का आभार व्यक्त किया जा रहा है। आज आप लोग जनसंपर्क किए टाउन में, महादेवा क्षेत्र में, पूरा क्या रिस्पांस मिला, क्या जनता कह रही है? देखिए, जनता दो है, नरेंद्र मोदी जी को देख रही है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश की जनता, छात्र हमारे सिवान की जनता एकदम संकल्पित है कि हमें नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को भारी बहुमत से जिताकर लोकसभा भेजना है। जब हम लोग गांव में जा रहे हैं तो दो आपको कुछ अफवाहें सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं, धरातल पर उतरता कोई बात नहीं है। अच्छा, रमेश सिंह कुशवाहा का चेहरा देखकर कई लोग मतलब वोट देना नहीं चाहते, भाजपा से हटने का विचार बना रहे, इस पर क्या कहें? ऐसा से उनको अपने तरफ लाए, ऐसा कोई विचार नहीं है। आप देखिए, दो टूट लोड हैं, उनका पूर्व के बारे में मालूम करिए कि पूर्व में वो लोग कहाँ थे, तीनटे ठाट थे। पूर्व में भी आप देखिए दा तो उनका तिथि न तिथि व्यक्ति विशेष और जल के पैटी समर्पण था। वही लोग आज भेष बदल कर और ये अफवाह फैला रहे हैं कि इस गाँव का वोट यहाँ है, इस जाति का वोट यहाँ है। जबकि 10 साल तक नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया है, दो काम किया है, छपटा ठाट, छपटा विकास, छपटा बिछुआट, अगर उज्ज्वला योजना दिया गया है तो गरीबों को दिया गया है, उसमें धर्म और जाति नहीं देखी गई है। आवास योजना दिया गया है तो छपटो दिया गया है। किसान सम्मान निधि योजना दिया गया है तो छपटो दिया गया है। जल नल योजना दिया गया है तो छपटो दिया गया है। यानी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने जो विकास किया है, विकास के नाम पर जनता वोट दे रही है, पर जनता वोट नहीं दे दी। आप लोग तो विगत चुनाव मालूम है कि नहीं, जब सिवान विषम परिस्थिति के दौर में था तो कांग्रेस पार्टी थे विदेशांतर द्विवेदी को बीजेपी ज्वाइन किए और उनको बीजेपी ने टिकट दिया। मात्र 10 दिन के लड़ाई में जब सिवान में 400-500 बूथों तो छाप लिया जाता था तो विदेशांतर द्विवेदी को ठावा 2 लाख वोट आया। भारतीय जनता पार्टी भी छोटी सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ 3 लाख हमारे कैडर हैं, उसके बाद हमारी विकास की योजनाएं हैं, उसके बाद हमें पूरा विश्वास है कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी 2 लाख के अधिक मतों थे यहाँ से विजयी होंगी। अच्छा, आप लोग 400 पार की लड़ाई में लगे हुए हैं, 400 पार कराना चाहते हैं, लेकिन सिवान के मुद्दे विकास पर कोई बात नहीं कर रहा। सिवान में विकास क्यों नहीं हुआ? हमारी एनडीए टी छाइटार यहाँ मेडिकल कॉलेज बना रही है मैरवा में, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा छोट होटर का प्रोजेक्ट है। आज़ादी के बाद इतना रुपया तो अभी सिवान जिला तो नहीं मिला है। 600 करोड़ का प्रोजेक्ट मेडिकल कॉलेज यहाँ बन रहा है। आप भव्य यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहे हैं, जो छोटा फैक्ट्री है उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है एनडीए के छाइटार में। छठों की हाल क्या थी? आप यहाँ से बरहरिया कोई जाना चाहता था, यहाँ से रघुनाथ कोई जाना चाहता था, बिजली कहाँ थी? विकास बहुत हुआ है। दो लोग आज विकास का दावा कर रहे हैं, उन लोग से आप पूछिए ना कि उनके शासनकाल में
डोठीवान के चार चीनी मिले थी क्यों बंद हो गई? जब यहाँ की जनता ने उनको मोटा दिया, 15 साल पति पत्नी की छायताए चली, पति पत्नी की, उन लोगों ने छायताए के बदला लोट के हाथ में बंदूक देने का काम किया, अपहरण उद्योग चलाने का काम किया, उन्होंने तो जनता को ठगने का काम किया, शिक्षा के बदला चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया। जब 2002 के बाद हमारी छायता आई NDA की और नीतीश कुमार और सुशील मोदी की छायता ने बिहार को एक नया आयाम देने का काम किया। आज आप बताइए ना, क्यों नहीं कोई सड़क की बात कह रहा है, क्यों नहीं कोई बिजली की बात कर रहा है? अभी विगत ही NDA की छायता ने बिहार के अंदर इंथोल का प्लांट लगा। तो 2005 के पहले यहाँ से बरहरिया जाना कठिन था, यहाँ से रघुनाथपुर जाना कठिन था, पटना जाने के नाम पे रुआ खड़ा हो जाता था। उस समय में और इस समय के सीमान में विकास नहीं है। आज 22-23 घंटा बिजली मिल रही है, आज कानून व्यवस्था की स्थिति बढ़िया है, आप रात को 2-2 बजे लदन से न्योता करके अपने ढोए जा रहे हैं। पहले तो मोटरसाइकिल दहेज में मिलता था तो भूठोवल में रख दिया जाता था, आज वो सब स्थिति नहीं है। पुराने बातों को लेकर जो है, कब तक वोट मांगा जाएगा? आप ही के सरकार केंद्र में है और उसके बाद जो है आप पुराने बातों को याद करके जो है वोट। देखिए, पुरानी बातें कहे जाती हैं, ये कोई ठिठाई की बात नहीं है। हमने बिहार को कहाँ से कहाँ लाया है ये बात बता रहे हैं आपको कि ये बिहार था कहाँ। आज बिहार के अंदर जितने कल तहखाने बंद हुए, किनके शासन में बंद हुए? अच्छा, एक चीज और, लोगों का कहनाम है कि नीतीश कुमार जो गठबंधन किए हैं भाजपा के साथ, तो क्या गारंटी है कि जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे और उनके साथ चले जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, जब हम लोग के साथ गठबंधन है तो राजनीति में ना भविष्य देखा जाता है, वर्तमान जो स्थिति होती है वो देखा जाता है। इसका प्रभाव तो जनता पर पड़ती है। जनता पे प्रभाव क्या पड़ना, गठबंधन है, दोनों ठेकेदार अच्छी काम की है, विकास का काम किया है, दोनों एक साथ विकास के मुद्दे पे आए हैं। जनता यहाँ के लोड न हम लोग तो जी भर में चल रहे हैं, मतलब हम तो विकास के नाम पे आए हैं। पार्टी बेस पे देखा जाता है कि जो भी मतलब पार्टी करता है वो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए गमछी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी पार्टी का गमछा जो है भगवा रंग का है, RJD का हरा रंग का है और भी दंग का जैसे हरा रंग का है, लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है सभी प्रत्याशी भगवा रंग में अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि अपने आप को मतलब कुछ हिंदुत्व पे अपना सवाल कर रहे हैं? देखिए, यही बात तो हम आपको बताना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 बरस में जो काम किया है, जो हमारी पार्टी का मेनोफेस्टो है, विचारधारा है शांतिकृत राष्ट्रवाद, उन्होंने शांतिकृत राष्ट्रवाद में इस स्थिति पर ला दिया कि आज मजबूरन अगर आपको शांतिकृत राष्ट्रवाद के विचारधारा का वोट चाहिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा, आपको भदवा ओढ़ना पड़ेगा, आपको भदवामय होइएगा, तभी यहाँ की जनता आपके बारे में विचार कर सकती है। ये स्थिति अध्यक्ष है या जो भी निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं सर? मैंने आपके देखने से क्या लगता है, हमारे बिहार के 40 सीट पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार लड़ रहे हैं? व्यक्ति तो ही हो, चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ग्राउंड में हम लोग जब सर्वे कर रहे हैं जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि नाम तो आ रहा है लेकिन और भी किसी के नाम आ रहे हैं लड़ाई में, तो आप पहले बताइए कि किसी के लड़ाई में आप लोग मान रहे हैं किसी को? हम किसी के लड़ाई में नहीं मान रहे हैं। आपसे लड़ाई में कौन? आप हमारे लड़ाई में कोई नहीं है। जब हम पंचायतों में जा रहे हैं तो आप पद देख रहे हैं कि कहीं कोई उम्मीदवार है, कहीं कोई उम्मीदवार है, कहीं कोई उम्मीदवार है। हम नाम नहीं रखेंगे। वो एक गाना था ना, दिल के टूटे हजार हुए, टूटे गिरे टूटे गिरे, उसी तरह ये लोग अपने में लड़ रहे हैं। हमारे वोट में इन लोग का किसी तरह का पता नहीं है। हमने आपको बता दिया ना कि हमारे वोट में वर्तमान में जनता क्या चाह रही है, क्या राय है उनका? जनता क्या चाह रही है, जनता बता रही है।
यहाँ पथाथी पैठन मत बाता एकदम डोलबंद है, अपना मन बनाते बैठे हुए हैं कि हम तो एनडीए उम्मीदवार को विजयी बनना। सीमान वासियों से क्या क्या अपील करना चाहते हैं? बस आग्रह है कि आप लोग जाति धर्म के ऊपर उठ के विकास के मुद्दे पे हमारे विजय लक्ष्मी चुटवाहा जी को एक मोटा दें, उनको विजयी बनाएं। और जिस तरह केंद्र की और राज्य की ठहराए ने मिलकर यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया, आने वाले समय में जो छिवान की और समस्याएँ हैं, छिठवन ढाला या बस स्टैंड ढाला पर ओवर पुल बनाना, उन सभी समस्याओं का निदान हम लोग मिलजुल के कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे, निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।